तो क्या श्री वन अभी जॉन विक आ चुकी है या आने वाली है? हाँ, ऐसा लग रहा है ट्रेलर से। तो आज मैंने देखा ट्रेलर, देखा योद्धा मूवी का, और कैसा है ट्रेलर उस पर बात करते हैं। तो ट्रेलर बहुत ही जेनरिक वाइब दे रहा है मूवी के स्टोरी प्लॉट से। तो ट्रेलर बहुत ही जेनरिक वाइब दे रहा है अगर तुम उसका स्टोरी प्लॉट देखने की या सोचने की कोशिश करोगे ट्रेलर देखने के बाद। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा हिट करती है वो है सेम बंदा जिसने एक पिछली मूवी में अपने झंडे गाड़ दिए थे, जिसका नाम है ऑब्वियसली राघव जुवाल। इसमें भी वो मचा रहे हैं। तो मैडनेस सेम ही रहेगी, इस बार भी किसी विलन के बेटे बने हैं, सेम रोल बट डिफरेंट प्लेसेस। हाँ, तो बंदे में पोटेंशियल है, बट ऐसा लगा ट्रेलर में कि पोटेंशियल को सही से यूज़ नहीं करा जाएगा, क्योंकि क्योंकि वो एक वो बिगड़ी हुई औलाद है जो कम काम में आती है, उस बाप के भी जो बहुत ही अमीर है या बहुत ही गुंडा है। तो उधर समझ आ रहा है कि राघव जुवाल का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, या ट्रेलर में नहीं दिखाया जा रहा है। ट्रेलर में दिखाया जा रहा है तो बखूबी एडिट किया गया है सच में। बट मूवी होने क्या वाली है, मूवी होने वाली है एक इंसान के ऊपर जो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, बट उसका पास्ट कुछ ऐसा है जो कि उसने अपनी फैमिली को एक एक्सीडेंट में खो दिया है। उसके पापा आर्मी में थे और उन्हें मिला था मिशन एक जो ड्रग तस्करी है इंडिया में उसको रोकने की, बट ऑब्वियसली नहीं रोक पाए और बीच मिशन में ही चल बसे। और वो मेरे हिसाब से उसी विलन की वजह से हुआ होगा, जो कि हमें एंड ट्विस्ट में पता चलेगा कि इसने मारा, ठीक है, एक्सीडेंट कराया। और हमारे लीड है सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है जो कि आई है सीधा साउथ से, मतलब कैरेक्टर नहीं जो एक्ट्रेस है वो साउथ से, मोहन नीत, मेरे को नाम पूरा नहीं पता, मोहन कर भी कुछ है, बट लग रही है अच्छी, ठीक है। तो हाँ, क्या होने वाला है वो तो 20 सितंबर को पता चलेगा जब ये मूवी आएगी, बट ऑब्वियसली ट्रेलर वाइब दे रहा है ऐसी कि जॉन विक ही बना रहे हों इंडिया में। और ये किल जैसा नहीं बोल रहा, किल अपने सब्सटेंस पे टिकी थी, मुझे पता था वो झेल जाएगी इतना धक्का वक्का जो भी लगेगा। इसका तो मेरे पास थोड़ा लग रहा है ठीक है, जो एक दो जंप भी कर रहे हैं ना वो ऐसा थोड़ा आर्टिफिशियल सा दिख रहा है। जब तुम देखोगे, अगर तुमने मूवीज बहुत सारी देखी तो तुम्हें जो अजीब होता है जो या जो नॉर्मल चीज़ों से बिल्कुल ही अजीब टेक लिया जाता है वो थोड़ा अजीब भी लगता है, क्या पता उस मामले में मूवी आ गई है। बट हाँ, जो एक जंप सीक्वेंस है जो छत से कूदता है वो तो बहुत ऐसा लग रहा है कि रो भी बांध रखी है, बस वो दिखाई नहीं, ऐसा लग रहा था। और मूवी में मज़ा आएगा कि नहीं एक शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान को देखने में, वो तो मूवी में पता चलेगा। सिद्धार्थ चतुर्वेदी की मैंने लास्ट मूवी देखी थी जिसमें वो एक स्टैंड अप कॉमिक बने थे और उसमें उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था। और राघव जुवाल की बात क्या करनी तुम्हें, और मोहन साहिबा की बात करें तो मोहन साहिबा भी इसीलिए आ रहे हैं ताकि यू नो टिकट ज़्यादा सेल हो और मूवीज अच्छे से कर पाए वो बॉलीवुड में, मनी मैटर्स, ठीक है। तो हाँ, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी वाली चीज़ नहीं है, बट हाँ मूवी हो सकती है नेक्स्ट जॉन विक निकल गया है, हाँ बस पापा का बदल लेगा। तो हाँ, ट्रेलर इतना कुछ खास जो है कि सब प्लॉट्स नहीं बनाता है, तो हाँ मूवी में ही देखने में पता चला है मूवी कितनी ही अलग जाती है ट्रेलर से। अगर ट्रेलर में बहुत ही गुमराह कर दिया जाएगा तो सब सरप्राइज जो एलिमेंट है वो आएगा तो लोगों को अच्छा लगेगा, बट अभी तक मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कुछ होने वाला है। तो यस, इट्स गोना बी ए जेनरिक एक्शन मूवी जिसको एक ही पैलेट में बनाया जा रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता तो सेम पैलेट पे अभी वो, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैं बता दूँ, ब्लड डैडी भी सेम पैलेट पे बनी थी या स्टोरी लाइन पर बनी। तो आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत करेंगे। अब मैं मिलूंगा कल तुम्हें किसी एक नई कहानी के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, गुरु दिनों से दुरुस्त रहना और आते रहना एम्पावर्ड पर वापस। और सीरीज कंटिन्यू हो रही है, हाँ सीरीज कंटिन्यू हो रही है, पता नहीं कब तक, जब तक एग्जाम नहीं आ जाते और जब तक मेरे को नहीं लगता कि मैं फटी हो रहा है मेरे को इस चीज़ से, लगता है बीच बीच में, बट इट्स गोना बी इजी टू हैंडल दिस। तो आई एम गोना कंटिन्यू दिस सीरीज, पता नहीं करता जब तक चल रहा चलेगा, ठीक है, बाय बाय।